हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज आखिर वो दिन आ गया है जिसका हमें काफी दिन से इंतजार था। काफी दिन से तो नहीं कह सकते, कई दिन से इंतजार था। डे 50 के बाद हमारा इंतजार चालू हो जाता है अगले रिपोर्ट कार्ड का। तो आज हमारा है डे 60 और आज हम अपनी बॉडी को चेक करेंगे कि डे 45 के बाद डे 60 तक आते आते कुछ चेंज आया है या नहीं आया। डे 45 पे हमें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी नहीं थी, आज डे 60 है तो आज चेक करेंगे। वैसे मुझे कपड़ों में थोड़ा सा फील होता है कि शायद कुछ इम्प्रूव हुआ है, मैंने भी खुद को अब तक देखा नहीं है। तो आज आपके साथ मैं खुद को पहली बार देखूंगा डे 45 के बाद, देखते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई। और आज हम कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, डायरेक्ट बॉडी चेक करेंगे, क्योंकि वर्कआउट करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है और फिर आप भी बोर हो जाते हैं, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, मैं भी थक जाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है, कुछ चेंज आया होगा या नहीं? सबसे पहले आज बाइसेप्स नापते हैं, देखते हैं कि इसका साइज क्या है। हमने स्टार्टिंग में तो नहीं मेज़र किया था, लेकिन आज मेज़र करते हैं। ये हमारे पास इंच टेप है पास लिया, जो कटा हुआ है। ये शुरू ही देखिए 11 से हो रहा है, 11, 12, 13। तो हम क्या करेंगे कि जो भी आएगा उसमें से 11 माइनस कर देंगे। मुझे लग रहा है 11-12 साइज तो होगा ही। आपको क्या लगता है, 12 इंच के तो होंगे? इसको पीक पे रखेंगे और ये जा रहा है 26.5 से थोड़ा 27 पर जा रहा है। इसमें से हम 11 माइनस करते हैं, तो 27 में से 11 गए तो कितना बचता है, 16। तो ये हमारे 16 इंच से थोड़े से कम है, ठीक है? 16 इंच के तो नहीं है, 16 इंच से इतना कम है, इतना सा कम है 16 इंच से। तो उम्मीद है कि अगली बार थोड़ा सा फालतू हो जाए, 16 इंच हो जाए, ठीक है इसका साइज। तो अब चलिए उतारते हैं इसे। इन दिनों हमने पेट पर भी काफी काम किया है, हमने लगातार रनिंग की है, जो कि मैं आपको वीडियो में तो दिखा नहीं सका क्योंकि रनिंग में पार्क में करता था। और ये निकल के आया है, देखिए ये आपके सामने है। ये जो 16 इंच का है वो ये है। ट्राइसेप्स भी हम लगातार कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कुछ शेप तो आनी शुरू हुई है। अभी वो पंप नहीं है जिसकी हमें इच्छा है, लेकिन हाँ शुरुआत हुई है। और कंधे, चेस्ट में अभी देखिए, आपको अभी ज़्यादा इसमें पंप नज़र ना आ रहा हो शायद, मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वो कटाव नज़र आने लगा है। जो पहले एकदम बल्क था, पेट फूला हुआ था और यहाँ कुछ नहीं था, सब चर्बी सी नज़र आती थी, तो वो चीज़ अब नहीं है। आप देख सकते हैं कि कुछ शेप में तो बॉडी आने लगी है। अब इसको हमें पंप देना है, यानी इसका साइज बढ़ाना है। तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे मंडे से। हम क्या करेंगे, अब तक हम काफी इंटेंस वर्कआउट कर रहे थे जिसमें हम काफी रैप्स ले रहे थे, काफी सेट्स ले रहे थे और एक्सरसाइज भी हम 5-5, 6-6 तरह की कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ 3 चुनिंदा एक्सरसाइज क्या करेंगे हर बॉडी पार्ट की हर रोज, और हैवी मारेंगे। रैप्स हम ज्यादा ना निकाल सकें भले ही, लेकिन हम सेट्स हैवी लेंगे ताकि हमें पंप आए। अब हमें पंप की जरूरत है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ नहीं, यहाँ से तो कम करना है। इसके लिए मैं रनिंग कंटिन्यू रखूँगा और अपनी डाइट को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। डाइट मैंने आपके साथ शेयर की है, हम क्या क्या लेते हैं, एक बार फिर से मैं पूरी डाइट आपको दिखाऊंगा। हो सका तो कल संडे है, कल दिखाऊंगा। अगर कल बिजी रहा कहीं और किसी काम में तो अगले संडे, लेकिन हाँ अपनी पूरी डाइट आपके साथ शेयर करूँगा। और उम्मीद है कि आज कुछ फ़र्क तो आपको दिखा होगा। लास्ट टाइम डे 45 पे हम थोड़े से निराश हुए थे क्योंकि डे 30 जैसी ही बॉडी हमें उस दिन भी दिखी थी, पर आज मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा चेंज आया है,
अगर आपको लगता है कि हम डे वन से डे 60 पर आते आते थोड़े से बदल गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वर्कआउट है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, वो ठीक है। और अब आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं, क्योंकि अब तक कुछ दोस्तों ने शायद चलना शुरू नहीं किया था, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं था कि हम कहाँ चल रहे हैं और कहाँ पहुँचेंगे। लेकिन अब शायद आपको यकीन थोड़ा सा मेरी तरफ होने लगे। अगर यकीन होता है तो आप चलिए मेरे साथ, आपको खुद में चेंज जरूर फील होगा। चलिए मिलते हैं कल एक छोटे से कार्डियो के साथ, और मंडे को हम करेंगे चेस्ट हैवी, इंटेंस करेंगे लेकिन हैवी करेंगे। हम 85 पाउंड की बैच मार चुके हैं, कोशिश करेंगे 95 पाउंड, भले ही एक रैप निकले, क्योंकि हमारा टारगेट 100 पाउंड पे है। 100 पाउंड ईच साइड मिलाकर है, ऐसा नहीं कि 50-50 करके 100 नहीं, 100 पाउंड ईच साइड लगाकर हमारा टारगेट है। 85 तक हम पहुंच गए हैं, अब बस 5 पाउंड और बढ़ाएंगे तो 90 हो जाएगा। कोशिश करेंगे मंडे को 90 पाउंड्स मारने की। तो चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर हमारी जर्नी में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।